काफी लंबे वक्त के बाद कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के किसी कार्यक्रम को संबोधित किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के एनआरआई कार्यक्रम को अपने ही अंदाज में संबोधित किया। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में सिस्टम पर भी सवाल उठाए और पिछली शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार को भी घेरा। हालांकि इसको लेकर जब सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया तो कैप्टन ने कहा कि सिद्धू अच्छा वक्ता है, लेकिन कैप्टन से जब सिद्धू की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में डाल दी। कल रात का फंक्शन है, ही इज द 220th मैन हु हैज स्पोकन ऑन इंडियन इश्यूज, दीज आर नॉट इश्यूज, एंड 221वां इन इन द टर्न आई सी, सो इज अ गुड स्पीकर, देयर इज कोई डाउट नहीं है, सो ही इज स्पीकिंग, बट एज फार एज कमिंग इन टू द कांग्रेस पार्टी, ही इज ऑलरेडी इन द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो नहीं उन्हें छड़ी, पर कोई इन्वॉल्वमेंट कि करना चाहते हैं, दैट वुड बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट्स डिसीजन। नवजोत सिंह सिद्धू से ही संबंधित पत्रकारों के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन खबरों का खंडन कर दिया जो पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही थी। कैप्टन ने कहा कि उनके सभी मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी सरकार सभी मंत्रियों विभागों की प्राथमिकता कोरोना से निपटना है। देखिए, पहली बात तो यह है, जो मैं कैबिनेट की रीशफल की बात सुनता हूँ आपसे ही सुनता हूँ, मैं तो सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि मेरी रीशफल हो रही है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। दिस इज यू पीपल कीप राइटिंग के रीशफल हो रही है जी, तो रीशफल उसी को मैंने दस दो कि कितने का हो रहा है जी, कौन करा रहे हो, कितने हो रहे हैं, बट आई नो नथिंग अबाउट दिस अबाउट एंड आई डोंट एट दिस टाइम, वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, माई मिनिस्टर्स आर वर्किंग वेरी वेल एंड लेट देम गेट ऑन। Both Balbir is doing a good job in health and our Soni ji is doing it in medical education. Sare COVID de ladai de vich paye hoye ne, sade Tripath Bajwa ji is involved in, every minister is involved in his own way. So eh ladai pehla jang apa jitti hai, phir eh changes di baat karange, isle nahi. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो पर भी बरसते दिखे। कैप्टन ने कहा कि उन्हें बाजवा और दुलो जैसे लोगों की सलाह की जरूरत नहीं, हम पंजाब को संभालने में सक्षम हैं। कैप्टन ने कहा कि बाजवा की चिट्ठियां कहां जाती हैं उन्हें नहीं पता। पता है वो नहीं पता क्योंकि व्हाट द सिचुएशन इज, वो होंगे राज्यसभा के मेंबर, दे शुड डू द वर्क देयर एंड लेट अस रन द स्टेट हियर। सानू पता है अपना स्टेट कैसे चलाना है। We don't need the advice of Mr. Bajwa or anybody else like Dullo. ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਸੈਸੀਬਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੱਸੋ। There must be some positiveness in me also or not only negativeness. ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਮੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ। गौरतलब है कि शमशेर सिंह दुल्लो ने पिछले दिनों प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री की जांच को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और प्रताप सिंह बाजवा तो अक्सर ही पंजाब सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हैं और अक्सर ही वो चिट्ठियां मुख्यमंत्री को लिखते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कह दिया है कि पता नहीं बाजवा की चिट्ठियां जाती कहां हैं, उनके पास नहीं आती। न्यूज़ PHH रिपोर्ट, चंडीगढ़।